गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो है अपन ने रिप्रोडक्शन देख लिया है। रिप्रोडक्शन होता है क्या है कि ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसके बाद में वी हैव टॉक्ड अबाउट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अपन ने रिप्रोडक्शन के काइंड के बारे में बात कर ली। नंबर वन इज एसेक्सुअल, नंबर सेकंड इज सेक्सुअल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद में जो है अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कोई सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है और किसी प्रकार की कोई गैमेट जो है फॉर्मेशन या फ्यूजन का काम नहीं होता है। दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी कैन सी द रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर किसी प्रकार कोई सेक्स ऑर्गन की या फिर दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Then further we have proceeded to the sexual reproduction, but before that we have also talked about the kinds of asexual reproduction. अपन ने asexual reproduction के kinds के बारे में बात कर ली थी। इसके अलावा we have also talked about a term that is known as lifespan. अपन ने जो है लाइफ स्पैन के बारे में बात कर ली थी कि जैसे भी कोई इंडिविजुअल बर्थ लेता है और उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड होता है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज लाइफ स्पैन। उस टाइम पीरियड को जो है अपन लाइफ स्पैन बोलते हैं। जस्ट लाइक वी कैन से बटरफ्लाई सर्वाइव फॉर 2 to 3 weeks। बटरफ्लाई जो है 2 से 3 week तक सर्वाइव करती है। इसके अलावा वैसे ही जो लाइफ स्पैन जो है एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी या शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इफ यू टॉक अबाउट क्रो एंड पैरट, दोनों की जो है ये शेप लगभग सेम होती है, बट दोनों के लाइफ स्पैन के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज लाइफ स्पैन। इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी अपन ने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो है गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, गैमेट फ्यूजन की प्रोसेस होती है, दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, देखो सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है दो कैंडिडेट का 2% का होना जरूरी है। 2% के बीच में जो है हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज नंबर 1। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो दोनों कैंडिडेट हैं या दो इंडिविजुअल्स हैं, दे शुड बी ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स होनी चाहिए उनकी। वन इज द मेल एंड सेकंड वन इज द फीमेल। राइट, एक का मेल होना जरूरी है एंड सेकंड वन इज फीमेल। व्हाई दिस शुड बी, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेल के अंदर जो है हमेशा मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं और फीमेल के अंदर जो है हमेशा फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, अगर जो है अपन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो मेल के अंदर जो है हमेशा स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और फीमेल के अंदर जो है हमेशा एग फॉर्म होते हैं। राइट, सो 2% का होना जरूरी है। दोनों पर्सन दे शुड बी द ऑपोजिट सेक्स, वन इज द मेल एंड सेकंड वन इज द फीमेल। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस इन द सेंस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस थ्रू विच गैमेट्स आर फॉर्मड। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू मेल के अंदर स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, फीमेल के अंदर जो है एग फॉर्म हो रहे हैं, that process is known as gametogenesis. इस process को अपन क्या बोलते हैं? Gametogenesis बोलते हैं। So we can say gametogenesis is also one of the important step of sexual reproduction. Gametogenesis जो है sexual reproduction का एक बहुत ही important process या step है। इसके बाद में next आता है gametogenesis is just followed by fertilization. जैसे ही मेल के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल के अंदर जो है एग बन जाता है, उसके बाद में सेक्स होता है। सेक्स होने के बाद में या कोइटस होने के बाद में, सेक्स या फिर कोइटस होने के बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इन फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म जायगोट। ये फॉर्म करते हैं जायगोट को। ये सारी जो है कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है अपन को देखने को मिलती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में अपन ने बात की थी फेजेस के बारे में।
कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर दो फेजेस होती हैं, देयर आर टू फेजेस. नंबर वन इज द जुवेनाइल फेज, नंबर वन इज जुवेनाइल फेज एंड नंबर सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज. नंबर वन इज जुवेनाइल, सेकंड वन इज द रिप्रोडक्टिव फेज. वैसे तो बहुत सारी फेजेस होती हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जैसे बर्थ इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेज, राइट. बर्थ के बाद में जुवेनाइल इज ऑल्सो ए फेज, रिप्रोडक्टिव इज ऑल्सो ए फेज, उसके बाद में आता है सेनेसेंस एंड देन आता है डेथ. ये सारी की सारी जो है कहीं ना कहीं लाइफ की फेजेस होती हैं, बट अपन रिप्रोडक्शन के अंदर केवल दो फेजेस के बारे में बात करेंगे. नंबर वन इज अ जुवेनाइल, राइट. जुवेनाइल फेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली बर्थ लेता है, बर्थ लेने से तब तक का पीरियड जब तक कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं हो जाए. मतलब कि बर्थ लेने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्टिव होने तक की जो फेज है, दैट फेज इज नोन एज जुवेनाइल फेज. उस फेज को अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं. इन प्लांट्स दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज. प्लांट्स के अंदर इस फेज को जो है वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं. ऑलराइट, ये जुवेनाइल जो है पर्टिकुलरली दिस इज रेफर्ड इन द सेंस ऑफ एनिमल्स. इसको जो है एनिमल्स की सेंस के अंदर रेफर किया गया है. ऑलराइट, जैसे ही जुवेनाइल फेज कंप्लीट होती है, दैट जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव फेज. इसके बाद में जो है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है. रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो है वी कैन से कि प्लांट्स के अंदर तो फ्लावर फॉर्म होने लग जाते हैं, फ्लावर के अंदर जो है स्टैमिन पिस्टल फॉर्म होने लग जाता है, स्टैमिन के अंदर जो है ये पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होने लग जाता है, पिस्टल के अंदर जो है ओवा या फिर एग फॉर्म होने लग जाता है. दैट हैपन्स इन द प्लांट्स. और एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो है मेल के अंदर स्पर्म्स एंड फीमेल्स के अंदर एग्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. ये जो दोनों के दोनों फेजेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बाद में अब जो है अपन बात करने वाले हैं कि जो ह्यूमन बींग है इसके अलावा और बाकी के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो साइक्लिक मैनर के अंदर होती है. तो जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो भी है एनिमल्स के अंदर, उसको दो साइकिल के अंदर डिवाइड कर रखा है. कैन वी टॉक अबाउट गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो साइक्लिक मैनर के अंदर होती है, जिसमें से एक को बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल. नंबर वन साइकिल इज नोन एज एस्ट्रस साइकिल, जो कि अपन को नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है. जो कि अपन किसमें देखने को मिलता है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर. नॉन प्राइमेट्स की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक यू कैन से गोट, फीमेल डॉग, बफेलो, काउ, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्राइमेट्स. ये सारे के सारे किस एग्जाम्पल्स हैं, नॉन प्राइमेट्स एग्जाम्पल्स हैं. और नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो है एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है. बात करने वाले हैं एस्ट्रस साइकिल एक्चुअल होता क्या है. इसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड साइकिल, दैट साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. सेकंड साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमेशा प्राइमेट्स में देखने को मिलता है. That cycle is found in primates. Primates in the sense we can say apes and human being. Alright, gorilla, apes and human being. These are counted in primates. Estrus cycle क्या होता है कि जैसे ही animals reproductively active हो जाते हैं, उनके अंदर gametogenesis की process होने लग जाती है. Gametogenesis की process होने के बाद में obviously fertilization होगा. But before fertilization, they pass from a cycle, and that cycle is known as estrus cycle. एनिमल्स के अंदर जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद में उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. एंड दे पास फ्रॉम अ फेज एंड दैट फेज इज नोन एज और दैट साइकिल इज नोन एज एस्ट्रस साइकिल. उसको जो है अपन एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, जिसके दौरान जो है जितने भी फीमेल एनिमल्स हैं उनके अंदर से गैमेट्स रिलीज होते हैं एंड वी कैन से वो रिप्रोडक्टिवली एक तरीके से बहुत ही प्रिपेयर हो जाते हैं. राइट, इसके बाद में सेकंड बात करते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, सेम वो ही
जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद में गैमेट्स का जो है सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड दे पास फ्रॉम अ फेज, एंड दैट फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस साइकिल को बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर, इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा। इन शॉर्ट दिस इज ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी। इन शॉर्ट दिस इज ऑल्सो नोन एज एमसी। आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी गर्ल चाइल्ड जनरली पास फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो है पास होते हैं, इनके अंदर जो है ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? व्हेन द फीमेल इज मेंटली प्रिपेयर्ड, इट मींस द फीमेल बॉडी इज रिलीजिंग द ओवा, बट द ओवा इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है उस वाली सिचुएशन के अंदर, फीमेल्स के अंदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट पर्टिकुलर स्टेप इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। उस स्टेप को जो है मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, एंड दैट साइकिल is known as menstrual cycle. So that is all about the sexual reproduction. थोड़ा बहुत जो है sexual reproduction के बारे में है। इसके बाद में we gonna talk about the stages in sexual reproduction. Sexual reproduction के अंदर जो है अपन stages और phases के बारे में बात करने वाले हैं। Like we can say pre-fertilization changes, changes during fertilization, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बारे में जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज ओल्ड टर्म्स, इन सारे टर्म्स के बारे में जो है आप समझ गए होंगे। मनीष सिंह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओपोजिट सेक्स होते हैं, और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस डेफिनेटली उनके अंदर होती है। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस जो है कोइटस होता है, कोइटस के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट जायगोट फॉर्म होता है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान जो है एनिमल्स के अंदर दे पास फ्रॉम साइकिल्स, एंड जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स हैं उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है, और प्राइमेट्स के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है अपन को, जबकि एस्ट्रस साइकिल के अंदर ऐसा नहीं होता है। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं द नेक्स्ट वीडियोस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज होल टर्म्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।